ठाकुर जी भैया एक और वो इधर कर लो यार, ये बेबी मेरी बात मान का जैसे मैडम जैसे ये देखो जी, प्रकृति ने जो दिया है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल ट्रांसजेंडर का ये जो हमने चुनाव प्रक्रिया में जी महिलाओं के अलावा जैसे हमने रिजर्वेशन किया है महिला और महिलाओं के अलावा, उसी तरह से हम देखते हैं कि कई जगह इनको अपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, वो एक गलत बात है। प्रकृति ने जो बनाया उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उसी के मद्देनज़र जैसे रोटरी क्लब वालों का और मेयर मैडम का मेरे पास ऐसे मैसेज आया था कि इस तरह से हम बस अड्डे पर एक टॉयलेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप हमें सहमति दे सकते हैं? तो फिर जैसे हमारे सुलभ शौचालय हैं, सरकार ने बना रखी है, उसी संदर्भ में हमारे पास जगह अवेलेबल थी, हमने उसमें सहमति दी है। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि उनको आरामदारी से, जैसे पुरुषों का शौचालय अलग है महिलाओं का अलग है, इसी तरह उनको किन्नरों का भी अलग से शौचालय यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, तो एक अच्छी बात है। हमारे शहर की मेयर अवनीत जी ने मुझे एक दिन हम मिले थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से जो है वो साधना जी से कई बार मिलती हैं और इनकी आपस में बात हुई है कि आज तक हरियाणा में ट्रांसजेंडर वॉशरूम जो है कभी भी ओपन नहीं किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इनर व्हील पानीपत सेंट्रल इसकी पहल करें और जो है ये ट्रांसजेंडर वॉशरूम जो है अपने पानीपत शहर से हरियाणा में, क्योंकि आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा की देन है। जो भी है मुख्यमंत्री ने हमारा हरियाणा ही क्यों चुना, प्रधानमंत्री ने भी हमारा हरियाणा ही क्यों, और वो भी पानीपत क्यों चुना, क्योंकि उन्हें कुछ लगा होगा। तो हम इस मुहिम में ही आगे बढ़ते हुए जो है शहर के लिए कि जो भी कुछ हो सकता है, तो हमारे उसमें हमने ट्रांसजेंडर वॉशरूम का पहली बार यहाँ पानीपत में जो है यहाँ पे आज स्थापना रखी गई है और मेरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आई हुई है अपेक्षा मैम, और जो समय समय पर इतनी अच्छी गाइडलाइंस देती रहती हैं, और ये सारा भी मैंने उनसे गाइडलाइंस करके कि किस तरह से स्टेप्स क्या लिए जाएँ कैसे हैं तो करते हैं, तो या तो महिला या पुरुष लिखा जाता है, लेकिन जो किन्नर समाज है वो कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर होता है, नेग्लेक्ट होता है। वो इक्वल के भागीदार हैं जब हम बात करें तो, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वर्ग को भी जाने पहचाने और उनको एक सम्माननीय स्टेटस दे समाज में। तो उसी के तहत ये एक सोच है हमारी इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट मेघा भाटिया जी की कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर एक वॉशरूम बनाया जाए। तो शुरुआत हमने बस स्टैंड पर करी है, अभी तो आगाज़ किया है, अंजाम अभी बाकी है। अगर इसका रिस्पांस हमें अच्छा मिलता है तो इनर व्हील बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और कोशिश करेगा कि पूरे किन्नर समाज को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके और उनको समाज में एक अच्छा स्टेटस दिला सके। परिचय दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व चंडीगढ़, ये सभी इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 में आता है। पहली मुहिम यहाँ पर पानीपत में शुरू करी जा रही है, अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो इसको हम बाकी जगहों पर भी इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। वही है जब तो मैं बार बार का धन्यवाद कर रही हूँ इस टीम का, बार बार में तो याद नहीं है कि हरियाणा के अंदर ही इन्होंने पहला कदम उठाया हमारे किन्नर समाज के बारे में, बहुत अच्छा कदम उठाया है ना। दिल्ली में भी है, हिमाचल में भी, उधर क्या नाम मध्य प्रदेश में है, हमारे बॉम्बे में है, हर जगह हर स्टेट में बन रहे हैं किन्नर समाज के लिए वॉशरूम। पर ये हमारा हरियाणा के अंदर कि एक ये काम था सरकार का, जो सरकार का मेरी बात को बुरा लगे मुझे कोई डर भी नहीं है, ठीक है ना। सरकार का काम था जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो सारी टीम कर रही है ना, चलो सरकार ने करी होगी, सरकार आगे क्यों नहीं आई आपसे पहले क्यों नहीं, मैं बुरा नहीं कर रही हूँ। वो मेरे भाई संजय भाटिया मेरे भाई हैं, वो प्रमोद बीच मेरे भाई हैं, ऐसे पर जो बात होती है मेरी गलती निकाल सकती है, ऐसा थोड़ी होता। तो ये मतलब मैं इनका सभी का धन्यवाद कर, इनकी सोच का इनके विचार का बहुत अति धन्यवाद करती हूँ, और ख़ासकर मेघा भाटिया जी का, ठीक है ना। उनको मेरा आशीर्वाद है और सबको मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों को मेरा आशीर्वाद।